अगर आपका एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपके एसी में गैस लीक हो गया होगा या फिर उसकी कंप्रेसर ठीक से नहीं चल पा रहा होगा। तो अक्सर केस में जो देखते हैं कि कंप्रेसर ठीक से नहीं चल पाता है, तो आज हम इस वीडियो में उस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप टेक्नीशियंस नहीं हैं तो भी अपने एसी की कूलिंग प्रॉब्लम को पहचान सकोगे। सबसे सिंपल बहुत ही आसान स्टेप के साथ मैं वीडियो बनाता हूं, ताकि मेरे वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद और यूजफुल हो सके। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है, एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, उसके रीजंस में हम चेक करेंगे कि आउटडोर यूनिट पर पंखा चल रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है, और आप एक टेक्नीशियंस नहीं है तो भी इस वीडियो को देखकर अपने एसी का प्रॉब्लम को पहचान सकते हो। तो चलिए मैं आपको मेरे एसी का कंप्रेसर तक चलकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने एसी की कंप्रेसर को चेक जो करेंगे। आप आउटडोर यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस आउटडोर का प्रॉब्लम ये था कि इसका जो पंखा है वो तो चल रहा था, लेकिन इसमें एक अजीब सी घुन करके थोड़ी देर के बाद ही ये स्टॉप हो जा रहा था। कुछ देर के बाद फिर देखते हैं तो फिर एक के घुन करके इसमें आवाज़ आता था, उसके बाद फिर से तुरंत ऑफ हो जा रहा था। इस तरह का अगर आपके एसी में प्रॉब्लम हो रही है आउटडोर के साथ, तो यानी कि आप समझ लेना उसका कंप्रेसर खराब हो गया है या तो फिर उसकी कंडेंसर्स वीक हो गया है। तो यहाँ पर कंफर्म करने के लिए अब हम इस आउटडोर यूनिट की पूरी पावर ऑफ कर दिए हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर वाले पार्ट का जो ढक्कन होता है उसको हटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी पूरी सप्लाई ऑफ कर दिया है। तो ये जो कंडेंसर देख पा रहे हैं, कैपेसिटर खराब होने के कारण यानी कि वीक होने के कारण इसका जो कंप्रेसर है वो नहीं चल पाता है। तो मैं इस वीडियो में इस कैपेसिटर को चेक करने का तरीका बताऊंगा, काफ़ी सिंपल और बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि इसकी पावर मैंने ऑफ कर ली है। तो यहाँ पर दोनों वायर देख पा रहे हैं, तो इसकी एक फ़ोटो ले लेंगे तो बाद में लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर फ़ोटो नहीं ले रहा हूँ, आप चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद मैं इसकी एक एक तार को ऐसे करके निकाल देते हैं। ये देखिए मैंने इसको ढीला भी कर रखा है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से कैपेसिटर को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर कमज़ोर होने के कारण कंप्रेसर नहीं चलता है, और कंप्रेसर नहीं चलेगा तो आपका जो एसी है वो कूलिंग काम नहीं करेगा। तो चलिए मैं इस कैपेसिटर को चेक करने का काफ़ी आसान तरीका इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इस कैपेसिटर को मैं टेबल पर लेकर चलकर चेक मैं करके दिखाता दिखाता हूँ हूँ। किस तरीके से कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं, वो भी अपने घर पर। तो ये हमारा एसी का कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को चेक करने के लिए मैं सिंपल दो वायर यूज़ करता हूँ। ये देखिए इस तरीके से दो वायर है, एक साइड प्लग लगाया हुआ है, एक साइड ये सिंपल पिन है। अब इसको मैं डायरेक्ट बिजली की बोर्ड पे लगा दूंगा। ये देखिए डायरेक्ट बिजली की बोर्ड पे लगा दिया है। इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ ताकि चीज़ें आपको दिखाई देंगे। इसमें सिंपल दो पिन बने हुए हैं, तो इसको डायरेक्ट लगा कर तुरंत हटा लेनी है। ये देखिए इतना करना है, बस हो गया। उसके बाद आप यहाँ से बिजली की बोर्ड ऑफ करें और इस तार को अलग रख दें फ्रेंड। उसके बाद सिंपल एक टेस्टर या फिर पेचकस ऐसे लंबा वाले ले लेना है, यहाँ पर इसके दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से अगर आपकी कैपेसिटर के साथ आवाज़ आता है तो वो जो कैपेसिटर है बिल्कुल ठीक है। अगर हल्का सा चिट करता है, यानी कि आप जानते हैं कि सीलिंग फैन वगैरह की कैपेसिटर को चेक करते हैं तो काफ़ी स्लो साउंड आता है, तो उस कंडीशन में कैपेसिटर ख़राब होता है। इस तरीके से आप चेक करने के बाद जो वायरिंग की फ़ोटो आपने अपने मोबाइल से खींचा हुआ है, तो नया कंडेंसर्स यानी कि कैपेसिटर लाने के बाद आप सिंपल तरीके से अपने एसी आउटडोर की वायरिंग को कर लेंगे। तो आपका जो एसी का आउटडोर है यानी कि थोड़ी देर चलकर यहाँ पर गुनगुना रहा था, वो जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। है ना, बहुत ही आसान तरीके। कैपेसिटर को चेक करो, खराब हो गया है तो नया कैपेसिटर बदल कर देखो। कंप्रेसर का खराब होने का चांसेस बहुत कम होता है,
कैपेसिटर अक्सर ज़्यादा ख़राब होता है, तो कैपेसिटर चेंज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके आउटडोर यूनिट में जो कंप्रेसर ठीक से नहीं चल पा रहा था वो चलने लगेगा और गैस वगैरह बराबर होंगी तो आपकी एसी का कूलिंग भी करने लगेगा। इस तरीके से आप अपने एसी की कूलिंग प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो से जानकारी मिला हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।